अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? आप ठीक हैं? सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है शाज़ेब हाशमी। मेरा नाम है शुएब शेबास। जिस वीडियो में हम रिएक्शन देने वाले हैं, वंडरर्स हब वीडियो है, रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट रही, वीडियो सामने है, देखते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी नए देखने वाले लोग हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और इन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जाए इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर इनके हमसे ज्यादा हो तो फिर हमारे को करें। अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। मॉर्निंग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्रिगर्ड इंसान की सिस्टर है, मच डिजर्व ब्रेक है, लक्ष्मी पायलट हम आए हैं और आज पूरे दिन हम क्या करने वाले हैं? सिस्टर नहीं है तो हो सकता है हमसे गलती होगी, हो माफ कर देना, कमेंट में मत बोलना। मस्ती तो करने वाले हैं, तुझे पता है जो है हमारी वेकेशन। अभिषेक और निश्चय कंट्रोल करने वाले हैं। ऐसा क्यों भाई? भाई ऐसे ही है बस। अबे ऐसा क्यों? ये कोई मतलब नहीं है ना, जो वो कहेंगे वही खाएंगे पिएंगे पहनेंगे। बहुत मजा आने वाले, डरपोक है। चलो देखते हैं गाइस, सबसे पहले निश्चय ने क्या मैसेज सेंड करा है, लेट्स डू इट। रीरना एंड जीजू, तो आप लोगों के लिए डर है क्योंकि मुझे पता है कि जीजू को जो है बहुत अच्छे से स्विमिंग नहीं आती है और उनको थोड़ा थोड़ा पानी से डर लगता है। एंड आप लोगों ने शायद कभी स्कूबा डाइविंग भी नहीं करी है। स्कूबा डाइविंग छोड़ो, तुमने तो नॉर्मल स्नॉर्कलिंग भी नहीं करी है। तो मेरा डर ये है कि स्नॉर्कलिंग या फिर स्कूबा डाइविंग करो। एंड जीजू से जरूर करवानी है क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ जीजू स्कूबा डाइविंग करेंगे तो मजा आएगा यार। मतलब इतना अच्छा बीच पे वॉक कर रहे थे, इतना एंजॉय कर रहे थे, इसको पता नहीं क्या चुल चढ़ी, कह रहे आज मेरे भाई मेरी वेकेशन कंट्रोल करेंगे। हाँ तो मजा आएगा ना, कुछ डिफरेंट डिफरेंट करेंगे। भाई क्यों कंट्रोल करेंगे, वो अपने आराम से कमरे में बैठे हैं, सो रहे हैं और हमारी वेकेशन कंट्रोल करेंगे। तभी तो आज हम स्कूबा डाइविंग करेंगे। आज मेरे भाई ने अभी हमें चैलेंज दिया तो अभी करना तो पड़ेगा। कितना मजा आएगा, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां होती है, कोई हमें खा गया तो निकल शार्क आज पानी में अपनी इक्विटी मांग के। अरे मुझे तेरा डर है, अपना नहीं है। मेरी फिक्र मत कर, मैं ओके हूँ, मैं जा रही हूँ। तू अकेली चली जाना, मैं रह जाता हूँ। ठीक है, तू चैलेंज हार गया, बाय। A few moments later. हर्ष यहाँ पे स्कूबा डाइविंग का फॉर्म भर रहा है कि अगर हमें कुछ हो जाता है तो उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल है। मेरे लिए तू रिस्पॉन्सिबल है। इतना गंदा छोड़ देने वाली हर्ष, gonna be a changed life. तू कुछ और एक्सपीरियंस करने वाला है। ब्रीदिंग सीखनी है हमें सबसे पहले, एंड हर्ष को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। आई एम सो एक्साइटेड, चलो मैं जा रही हूँ स्कूबा कैंप में। क्या 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 टेंशन है, ट्रेनर वगैरह तो भेजा होगा ना? तुझे कुछ और इसमें शार्क ऐसे नजर आती है और शार्क तो हम ऐसे नजर आते हैं, लेकिन यार ये बहुत मजे का एक्सपीरियंस होता है। साथ है वो ट्रेनर वगैरह भी है। देखो देखो ये जलबिन मछली, ये कैसे फुदक रही है। ये पहले इतना डर रही थी और ये मछली मेरे पास आके मेरे से कैमरा मांग रही है, लेके भी चला गया मेरे हाथ से कैमरा। हेलो सर, इट वाज अल्टीमेट। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं। मजा आ गया सीरियसली यार प्रेरणा। हमारी हॉलीडे की यहाँ पे ऐसी की तैसी हो रही है लिटरली। मेरे भाइयों ने क्या क्या सोच रखा है हमारे लिए, ये सोच के मुझे हैरानी हो रही है। चलो देखते हैं अगला डेयर क्या मिला है। बताओ भाई क्या डेयर है, प्ले करो। एक दिन के लिए, एक दिन तो चलो ज्यादा हो गया, एक घंटे के लिए तुम दोनों कपड़े स्वैप कर लो। के जीजू पोलू के और पोलू जीजू के कपड़े पहने। अबे तो एंड पब्लिक में घूमना है। आई वॉन्ट टू सी How will that go? तो या ये है मेरा डेयर। What? अगर तो लड़की ने जीजू गया, जीजू इनका गया भाई। तुम नहीं बनूंगा हॉलीडे पे। और मैं इसकी ये पीली अतरंगी शर्ट नहीं पहनूंगी। ये क्या, ये कोई शर्ट होती है पहनने वाली? अबे और इस ड्रेस में मैं आ भी पाऊंगा पूरा? ना 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 ना, कैंसिल कैंसिल। नहीं नहीं करना तो पड़ेगा। नहीं नहीं हाँ बस ये ठीक है। अभी हॉलीडे के लिए अपुन बनेगा, हर्ष एंड तू बनेगा। नहीं 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 इतना कर लो बस, कैप स्विच कर ली, दैट्स इट। चलो हर्ष। नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, नो नो करना तो पड़ेगा क्योंकि लगना हर्ष नहीं ज्यादा बुरा है। बिल्कुल नहीं है,
तो उस वजह से मैं आउट। अबे कौन से कपड़े पहनूं तेरे, मुझे नहीं समझ में आ रहा। प्लीज मेरे कपड़े मत खराब करियो। ये वाली ड्रेस पहन ले जो मैंने ये वाली पहनी हुई है। ये तो मैं बड़ा फनी लगूंगा, ये पहन ले तो काफ्तान। अरे भाई साहब ने मेरी पूरी ड्रेस अपने फंसा ली है यार। मेरे को ना इसका कोई कपड़ा नहीं आ रहा, मैं नहीं कर पा रहा यार ये चैलेंज। अच्छा मैं तेरे को दे रही हूं ना, तू यही पहन। तो फाइनली प्रेजेंटिंग क्या पहना यार इतने कपड़ों में। ये रणवीर सिंह वाले कुछ स्टाइल लग रहे हैं। ये ना ये सभ्य साक्षी का डिजाइन है यार, उनके अपने ही स्टाइल है। और मेरी शॉर्ट्स तो दिखा दे। खुल्ले डुल्ले ऊपर से बाहर भी गर्मी है तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। चलो आपको बाहर लेके चलते हैं। आ जाओ। मैं नहीं जा रहा। ओह माय गॉड सीरियसली मेरे को इतनी ये तो झिंगा लाला वो वाले नहीं होते, वो पकड़ गए मतलब ये होता कि ना नु तकलीफा नाल डील करना होता। अरे हर्ष इट्स ओके सीरियसली, रणवीर सिंह तो रोज ही पहनता है, सोच तो एक दिन थोड़े से घंटे के लिए पहनने हैं। आई फॉलो रणवीर सिंह। एग्जैक्टली, यू स्टाइलिश मैन, यू आर लुकिंग वेरी वेरी आदमपुर के जमाने का बंदा। ओ भाई सच में मैंने इमेजिन नहीं कर सकती कोई इतना फनी लग सकता है। मुझे टाटा कर दो। मुझे चश्मा पहना दो। हर्ष वहाँ वो बंदे खड़े हैं, चला उनसे इंट्रोडक्शन। मेरी बेइज्जती मत करा। अरे बहुत सही लग रहा है, सही बता रहा हूं। इतनी कूल लग रही है, मेरे कपड़े देख रही है, बेस्ट होते हैं तेरे ही। क्या है झालर झूले यूनिसेक्स कपड़े जो सब पे जचे। लेट्स गो। ना कि तेरे अजीब से बंदों से मिलाती हूँ तेरे को। नहीं यार मैं नहीं जा रहा यार, मत कर ऐसा। हेलो, मुझे आपका एक रिएक्शन चाहिए कि ये लड़का कैसे लग रहा है। वाह क्या सीन है, रन बहुत बुरे लग रहे। इसने आज ना अपने सारे कपड़े मुझे पहना दिए और मेरे खुद पहन लिए। ये कैसे लग रहे हैं? बढ़िया अगर लग रहे हैं। झूठ बोल रही है तू। अबे रणवीर सिंह ने ना सब कुछ इन कर दिया है, ठीक है सारे फैशन चलते हैं। सही लग रहे हैं। वो ना हंस नहीं पा रहे खुल के, वो कह रहे कि क्या हम यू नो रणवीर सिंह एक्टर, वो पहनता ना ऐसे अतरंगी कपड़े है ना, तो बस मैंने पहन ले तो क्या हो गया। बाय बाय बाय, सही पकड़े हैं। थैंक यू यार, ये तो बहुत अच्छे यार, कोई हंसा नहीं तुझ पे हर्ष। भाग गया भाग गया भाग गया। मुझे लग रहा है शायद मुझे ही हर्ष ज्यादा फनी लग रहा था, किसी को भी हंसी नहीं आई हर्ष को देख के, या तो वो सिर्फ पोलाइट थे। आप जरूर बताना कमेंट में कि आपको हंसी आई हर्ष को देख के नहीं। Oh my God, nice dare. I like this dare. Okay, तो प्रेरणा दीदी आपको ये dare है कि आपको और जीजू को चढ़ना है पेड़ के ऊपर और कोकोनट तोड़ के लेके आना है। Wow, कोकोनट वाटर पिलाएगा आज हर्ष। ये ऐसा पहले कुछ नहीं है, पहले ही ना तू चढ़। कोकोनट वाटर तेरे को अच्छा लगता है? अच्छा भाई कहते हैं ऐसा नहीं है लेकिन कर फिर भी। चल फिर चढ़ जा। गया 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 गया। Nice, 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 nice. और भाई इसने तो कर दिखाया, काफी ज्यादा ऊपर आ चुका है ये। दो फुट। ओ मैं रहने दे यार हर्ष, नहीं हो पाएगा, रहने दे। आजा आजा आजा, उठ जा। कोई बात नहीं, नारियल पानी नहीं, वोटर मेलन से काम चलाऊंगी। गया गया गया। क्या बाकी जाएंगे? ओ छोटे वाला के पेड़ पे चढ़ना है हर्ष। अरे यार ये चीटर है एक नंबर का। बेटा दिमाग कैसे इसे, उसमें लगा भी है कोई नहीं। बड़ी शरारत करता हूँ अब जी, मैं बड़ा हो गया, बड़ी शरारत करता हूँ। प्रैक्टिकली पेड़ से आ गया प्रेरणा। ये ले फाइनली, आई डिड इट। पर नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? अब इससे बड़ा नारियल तो वही नहीं। बहुत भारी है यार। ये देख क्या हुआ पर मेरे साथ। डैम, कर लिया अपना सारी बाजू खराब। ये तेरे डेर के चक्कर में हुआ है। मना किया था। तेरे डेर के चक्कर में हुआ ये सर खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं, बट थैंक गॉड है यहाँ पे है इनकी अंडर इंट्रोस्पेक्शन के अंडर ये अपना वाटर ये कट करेगा कोकोनट। लग रहा लोहे को लग रहा है ना साउंड। Okay. ये लीजिए प्रेरणा, ठंडा स्वादिष्ट नारियल आपके लिए। मीठा पानी है,
पता लग रहा है पेट से डायरेक्ट तोड़ा है। तू भी थोड़ा सा पी ले यार, तेरे इतनी लग गई है, थोड़ी एनर्जी आएगी, ले ले। तू पी। ये ले ले पी ले। डेयर हुआ पूरा। तो फाइनली हर्ष ने डेयर पूरा कर लिया है और अभी मैं थक गई हूँ यार इनके डेयर्स ले लेके। पर क्या करे, पूरी हॉलीडे तो यही कंट्रोल कर रहे हैं। लेट्स सी कि नेक्स्ट ईयर क्या है। जीजू को एक डेयर है कि प्रेरणा दीदी को पूरा रेता रेत में भर दो, सैंड से, मिट्टी से। ये यार अभिषेक ऐसा क्यों कहा तूने? क्यों यार, मतलब इतनी खुशी हुई ना मुझे सुनने के बाद। ये कितने मजे से मेरे लिए यहाँ पे गड्ढा खोद रहा है। रहने देते हैं, छोड़ते हैं, फालतू में कंट्रोल करवा रहे हैं हम अपनी वेकेशन। हर्ष तुझे पता है जो किसी और के लिए गड्ढा खोदते हैं वो उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। मैं दूर होकर खोद रहा हूँ, नहीं गिरूंगा। तकरीबन 30 मिनट की मेहनत के बाद मैंने ऑलमोस्ट प्रेरणा को 80% मिट्टी के अंदर कर दिया है। वाओ, कैसा लग रहा है प्रेरणा? बस मेरी आंखों में 10 किलो मिट्टी घुस चुकी है और मेरी वेकेशन ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुकी है। पर ठंडा लग रहा है, गरम डेस्टिनेशन थी थोड़ी सी, थोड़ा गरम गरम फील हो रहा था, मिट्टी के अंदर आके अब ठंडा लग रहा है। बढ़िया है, कोकोनट वाटर ला दो। मैं सो, भैया कैसी लग रही है ये? मैं यहाँ से पी के सो जाती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़ा और अंदर जाना चाहिए। ये आ जाओ, हेल्प करो ना। कितनी ओबीडियंट है यार ये बच्ची, कितने आराम से रेत के अंदर दबी हुई है। मुझे कोकोनट पिला दे यार बस। कोकोनट? अब भाई दोबारा से नहीं, चढ़ के तोड़ूंगा मैं कोकोनट। अरे यार क्या करूं मैं, यहाँ पे बैठी रहे, मैं जा रहा हूँ एंजॉय कर। ओके बाय। नहीं ये तो ऊपर ही है, अंदर नहीं है इतना। उठ जा यार, इतना क्या पसंद आ गया? मेरी मिट्टी में जो ये कीड़े मकोड़े, उनसे दोस्ती हो गई है। ओह oh, अब मैं उन्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती। तो तू यहीं रहना चाहती है? हाँ। अबे रात हो जाएगी, यहाँ पे क्रोकोडाइल भी आते हैं पता है। सोच रात को तेरे को सपना आएगा एकदम से, ग्रेव में से मेरा हाथ निकला। लोग वैसे ही रहे वैसे। चलो भाई आ जाओ, बहुत हुआ ये चैलेंज। तुझे माफ नहीं करूंगी। अरे अभिषेक तुझे तो बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। थैंक यू अभिषेक। तू तो एक मिनट थोड़ा सा यूं कर देना तो वो सारी उतर जाएगी। बहुत सहलिया, वेकेशन का दिन तो हो गया बर्बाद। कोई बात नहीं निश्चय और अभिषेक, मेरा ड्यूरा प्रैंक तुम पे, और इसका भी ड्यूरा, इसने भी आज बहुत बर्दाश्त करा है। कोई नहीं, आज का दिन खराब हो गया, अभी बहुत सारे दिन है यार, मजे करेंगे। हाँ पर मतलब मजा आया वैसे डेयर्स करके, पर तुम पे प्रैंक जरूर करूंगी मैं। और आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। सो जी गाइस, ये वीडियो थी वंडर्स हब, और ये जो है ये उनकी सिस्टर एंड ट्रिगर्ड इंसान की। अमेजिंग डूड, लिटरली मुझे बिल्कुल भी इस चीज का अंदाजा नहीं था और इस चीज की उम्मीद भी नहीं थी कि यार ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। मैं आपको टू पी ऑनर से बताऊँ, मुझे रिमोरव वाली वाइब आ रही थी, जिस तरह उनकी एनर्जी होती है और जिस तरह वो उनके बोलने का स्टाइल है ना, बड़ा बड़ा लिटरली बड़ा अमेजिंग होता है। सेम टू सेम, सेम टू सेम एनर्जी काफी ज्यादा है, मतलब कि बड़ा कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। वो चीज एक होता है ना कि एक नई नई चीज नजर लग रही है, और दूसरा जो डेयर कर रहे हैं वो भी मजे से कर रहे हैं। एंड क्या भाई है, क्या चैलेंज है, उनका फैन हो गया हूँ लिटरली। वो बार बार नहीं कह रहे थे और काम भी करते जा रहे थे, काम भी कर रहे थे, तरीका भी ना वाला था लेकिन कर भी रहे थे। सो मजा आया जी, फर्स्ट टाइम इनकी वीडियो पे रिएक्शन दिया, एंजॉय किया। बाकी ये बीच में देखा हमने इनके सब्सक्राइबर, तो इनके ना बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, 5-6 मिलियन है। सो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इनकी ऑडियंस से भी हम लोग ये रिक्वेस्ट करेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन में, अपना ख्याल रखिए। खत्म।